और इस वक्त अभय दुबे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे साहब, बीजेपी देखिए बार बार ये आरोप लगा रही है कि किसान संगठनों को उकसाया गया है, भड़काया गया है, ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, पंजाब में आपकी सरकार है इसलिए वहां पर आप ज्यादा हवा दे रहे हैं ऐसे आंदोलन को। देखिए समीर जी, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि किसान विवेकहीन है, किसान को नहीं पता जो पूरे देश के दोनों वक्त के भोजन का प्रबंध कर रहे हैं वो अगर खुद अपने खाने के लिए मोहताज हो तो क्या करेगा, सड़कों पर आएगा। अभी पुष्पेंद्र जी बता रहे थे, मैं ऐड करना चाहता हूं, यही मोदी सरकार की शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि सरकार सिर्फ कुल उत्पाद का 6% प्रिक्योर करती है, अर्थात 94% किसानों की फसल बाजार के भरोसे है। अगर बाजार में आपने ये तय कर दिया, जैसे मैं बता रहा हूं अभी कि 1850 रुपए का मक्का 700 रुपए में बिका, ई नाम बाजार पर आप पोर्टल पर जाकर देख लीजिए, मैंने तो उसकी रसीद भी मुहैया कराई, तो किसान करेगा क्या? मोदी जी ने तो तय कर दिया कि ठंड है, किसान को ठंडा मार दो, किसान का दम घुट जाए, आंसू गैस के गोले मारो। पिछले साल 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के दिन उत्तर प्रदेश से आ रहे किसानों को बर्बरता से लाठी से मारा गया। प्रधानमंत्री जी कृपा कीजिए, आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, मनमानियों की नहीं है। पुष्पेंद्र जी ने ठीक कहा, किसान संघों से बात तो करते, 250 किसान संघ थे, वो स्टेट का अधिकार है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।